आज दिन बुधवार सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरा नाम नीरज है और आज मैं आपको अपने साथ बीती हुई कल शाम की एक हैरतअंगेज घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। कल शाम के करीब 5 बजे मैं अपने ऑफिस से निकलने के बाद एक व्यस्त सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा लाइट्स बदलने का इंतजार कर रहा था। मेरी नजर अचानक उन लोगों की ओर पड़ी जो सड़क के दूसरी ओर खड़े थे। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जब मैंने सामने खड़ी हुई एक औरत को देखा। बहुत अजीब लग रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही हैं। मैं उसकी पैंट और जैकेट पूरी तरह से देख सकता था जो उसने बिल्कुल सही तरीके से पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा और हाथ पूरी तरह से धुंधले थे। मैंने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब उसका चेहरा धुंधला और अपारदर्शी था। मुझे सबसे अजीब आभास हुआ कि मैं लगभग उसके आर पार देख सकता था, मानो जैसे यह बेहद परेशान करने वाला था। बत्ती हरी हो गई और लोग पैदल जीब्रा क्रॉसिंग पार करने लगे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला सीधे मेरी ओर चल रही थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां और भी बहुत से लोग थे, पर किसी का ध्यान उस महिला पर नहीं जा रहा था। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस महिला का ध्यान मेरी तरफ ही था। मैं उससे बचने की कोशिश करते हुए बाईं ओर मुड़ते हुए चौराहे पर चलने लगा। यह काम नहीं किया। उसने दिशा बदल ली और सीधे मेरे पास चली आई। मेरे पसीने छूटने लग गए। हम सड़क के बीच से गुजरे और जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, धीमी आवाज में बोली, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे देख सकते हो। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।